नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सबका स्वागत करता हूँ। यह हमारी MPGK की सीरीज चल रही है। मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम हुए हैं, वो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो हम सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, और आने वाले जितने भी मध्य प्रदेश के एग्जाम हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। और कुछ लोगों की डिमांड है जो साइंस के क्वेश्चन है वो भी कराए जाएँ, तो मैं जल्द ही जो है वो साइंस के क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दूंगा जितने भी पूछे गए हैं मध्य प्रदेश के एग्जाम में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत भवन को कितने वर्ग में, कितने वर्ग हैं दरअसल यहाँ पर पूछा गया है। तो ये दरअसल जो 6 वर्ग हैं भारत भवन के, और भारत भवन जो है वो भोपाल में है, और इसका जो आर्किटेक्ट जो तैयार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स कोरिया द्वारा। ओके, तो चार्ल्स कोरिया द्वारा। और फॉर्मेशन कब हुआ था ये भी पूछ लिया जाता है, तो 1982 में जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है, और ये भोपाल में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती संग्रहालय को किस नगर में स्थित है? तो रानी दुर्गावती की बात की जाए तो ये जबलपुर से संबंधित रखती हैं, और जबलपुर में जो है ये स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, जबलपुर जो है वो किसके नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसको न्याय की नगरी भी कहते हैं, तो ये भी आप याद रखना। और यहाँ पर जो सबसे पहले जो है वो हाई कोर्ट जो है यहाँ पे बना था, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के राजस्व के कैबिनेट मंत्री कौन हैं? तो ये दरअसल जब 2017 में जो कैबिनेट मिनिस्ट्री थी तो उस टाइम के हैं, लेकिन अभी जो है वो करंट में बात की जाए तो अभी कौन है? श्री गोविंद सिंह राजपूत। तो राजस्व विभाग और परिवहन विभाग जो है इनके अंदर आता है श्री गोविंद सिंह राजपूत, तो ये याद रखना है। मध्य प्रदेश के जो अभी करंट में है वो राजस्व मंत्री हैं गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो ये दरअसल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुरहानपुर जिला किस साल स्थापित किया गया था? तो बुरहानपुर जिला जो है वो 2003 में स्थापित किया था। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है बुरहानपुर के बारे में, तो ये दरअसल एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि खान देश की राजधानी किसे कहा जाता था? तो ये बुरहानपुर को ही कहा जाता, और ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है बुरहानपुर को, तो ये भी आप याद रखना। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि असीरगढ़ का किला कहाँ है? तो ये भी बुरहानपुर में है, तो ये सब जो है ना आपको याद रखना है बुरहानपुर के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भेल भोपाल के IT विभाग को किस वर्ष में मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस पहलो मैं उत्कृष्टता पुरस्कार विजेता घोषित किया गया था? तो उस टाइम का है जी, तो ये दरअसल 2012 और 13 के लिए जो है ये पुरस्कार घोषित किया गया था, तो जो भेल है जो भोपाल में है। ओके, तो ये आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से अधिकतम मेले कहाँ आयोजित किए जाते हैं? तो अधिकतम मेले जो हैं वो बात की जाए तो ये उज्जैन में आयोजित किए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में बात की जाए तो उज्जैन में जो है वो अधिकतम मेले लगते हैं। उज्जैन जो है वो छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है, और पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो मालवा की गंगा किसे कहते हैं, तो छिपरा नदी को ही कहते हैं क्योंकि ये मालवा के क्षेत्र में आता है, तो ये भी आप याद रखना। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ODI टीम के कप्तान कौन है? तो अभी बात की जाए तो इनका नाम याद रखना है नवन ओझा, यानी वनडे जो रहता है वनडे कैप्टन वो नवन ओझा है, और अगर आपसे कैप्टन पूछे जाते हैं तो देवेंद्र बुंदेला, तो ये मध्य प्रदेश के जो है ये क्रिकेट टीम के कैप्टन है। चेयरमैन पूछे जाए तो आपको चेयरमैन याद रखना है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो चेयरमैन है, और कोच पूछा जाता है तो कोच जो है वो हरविंदर सिंह सोधी, तो ये सब जो है ना आप याद रखिएगा। और 1950 में जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था, फाउंड हुई थी मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने झाबुआ में 600 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र चालू किया है? तो ये दरअसल भोयल द्वारा जो है वो
600 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र लगाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में से भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरे देश के अंदर बहती है? तो पूरे देश के अंदर की बात की जाए तो यहाँ पर ये पूरे देश के अंदर जो है ऐसा तो नहीं है कि, क्योंकि ये जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र गुजरात इस तरफ बहती है, तो पूरे देश में तो नहीं, पर ये तीसरी जो है वो सबसे लंबी नदी है। तो ये आप याद रखना मध्य प्रदेश, और इसकी जो है लंबाई जो है मध्य प्रदेश में 1077 है, तो ये आप याद रखिएगा। अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कपड़ा कौन सा है जिसकी उत्पत्ति से वर्ष 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पता लगाया जा सकता है? तो ये दरअसल चंदेरी जो है कपड़ा है, और वहाँ पर चंदेरी की जो साड़ियाँ हैं वो फेमस हैं, तो उससे आप याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से खजुराहो में कितने मंदिर थे? तो ये दरअसल 85 मंदिर थे, खजुराहो टेम्पल जिसे बोला जाता है, अब तो बहुत कम रह गए हैं। तो खजुराहो जो टेम्पल है इसको नया 1986 में जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री साथ में शामिल किया गया था। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो मध्य प्रदेश में तीन वर्ल्ड हेरिटेज साइज हैं, खजुराहो के टेम्पल, भीमबेटका और सांची स्तूप। तो खजुराहो टेम्पल जो है वो चंदेलों द्वारा बनवाया गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के कब्जे में धार का किला किस तारीख तक था? तो धार का किला जो है ये 31 अक्टूबर 1856 यानी 1857 31 अक्टूबर का था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। थार में एक मांडू जगह है जिसे सिटी ऑफ जॉय भी बोला जाता है, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको मैं हर बार बताता हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे और उनका रिवीजन हो जाए, तो इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बार बार बताता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्रिक्स कॉन्वेंशन ऑफ टूरिज्म किस वर्ष खजुराहो में आयोजित किया गया था? तो ये उस टाइम की बात है, तो ये दरअसल 2016 में जो है वो आयोजित किया गया था खजुराहो टेम्पल में, तो उस टाइम पर है, तो अभी तो मुश्किल है, पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रीवा पन्ना पठार को कौन से नाम से भी जाना जाता है? तो रीवा पन्ना का पठार आपको पता है कि इस तरफ जो है वो रीवा पन्ना का पठार है, और यहीं पर जो है वो बिंद का पठार, तो ये दरअसल उसी के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा, बिंद का पठार रीवा पन्ना का पठार के नाम से भी जाना जाता है, या रीवा पन्ना का पठार को बिंद का पठार भी नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। रीवा पन्ना की बात की जाए तो यहाँ पर जो है हीरो की खनान मिल पाई गई है मध्य प्रदेश में, बाकी और कहीं नहीं है बात की जाए तो भारत में, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का विश्वामित्र पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो विश्वामित्र की बात की जाए तो आपको पता है जो विश्वामित्र थे एक तरीके से वो गुरु थे, सिखाते थे शिष्यों को, तो आप ऐसे याद रख सकती हो। तो ये दरअसल खेल खेलने वाले के लिए कोच जो होते हैं उनके लिए दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश देश में का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दरअसल सबसे बड़ा उत्पादक है यहाँ पर बात की जाए तो ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है, तो ये दरअसल तिलहन के मामले में जो है वो सबसे बड़ा है उत्पादक है भारत में मध्य प्रदेश, और सोयाबीन भी उत्पाद करता है, तो सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, और तिलहन तो है ही है सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की हेरिटेज वॉक ऑफ ने 2016 में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में वेस्ट हेरिटेज वॉक का पुरस्कार जीता। तो दरअसल किसने जीता था? तो भोपाल ने जो है वो 2016 की बात की जाए तो पर्यटन के मामले में जो है उन्होंने वेस्ट हेरिटेज वॉक का पुरस्कार जीता था। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली और गुजरात के बीच समृद्ध व्यापार के कारण
मध्य युगीन समय में एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था, वर्तमान मध्य प्रदेश के किस शहर के बारे में बात की जा रही है? तो ये दरअसल उस टाइम की बात है, मध्य युगीन समय की। तो ये जो असल सिरौंज जो है वो एक तहसील है, तो उस टाइम पे जो है वो सिरौंज एक महत्वपूर्ण शहर बन गया है। सिरौंज से एक नदी निकलती है, तो वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सिरौंज से कौन सी नदी निकलती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सिरौंज के निकट से कौन सी नदी निकलती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है और एग्जाम में जो है वो पूछी भी जाती है। ओके, और जो कि एक मतलब थोड़ी हिंट दे देता हूँ कि जो चंबल की एक सहायक नदी है ये, तो आप थोड़ा इससे आइडिया लगाइए कोई कौन सी नदी है और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ सिंह एक विख्यात थे, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है जगन्नाथ सिंह, तो ये दरअसल एक पॉलिटिशियन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ रूप सिंह वेश जुड़े थे? तो दरअसल रूप सिंह जो थे वो हॉकी के प्लेयर थे, और फिर उसके बाद वहाँ पर ग्वालियर में इसका स्टेडियम बना दिया गया था, और उसके बाद फिर जो है वो क्रिकेट के स्टेडियम बन गया था। तो रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम जो है वो ग्वालियर में, उससे पहले जो था वो हॉकी का था, और उसके रूप सिंह स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, और रूप सिंह जो है वो हॉकी प्लेयर थे, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक सदी ईसा पूर्व में निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाणिज्य केंद्र था? तो पहले की बात की जाए तो वाणिज्य यानी कमर्शियल सेंटर हुआ करता था, तो ये दरअसल उज्जैन हुआ करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। बाकी मैं उज्जैन के बारे में बता चुका हूँ वहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, और उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा, ये मैंने नहीं बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश खेल और युवा मंडल के निदेशालय ने निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार प्रस्तुत नहीं किया है? तो ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो विशिष्ट पुरस्कार होता है तो उस टाइम पे नहीं पुरस्कृत किया गया था, तो ये पूछा नहीं जाएगा, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में GI टैग पाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चावल विचाराधीन है? तो जो बासमती चावल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बासमती चावल जो है वो मध्य प्रदेश पे GI टैग मिला हुआ है इसको। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि घोड़े की नाल जो वो है लोहा एक तरीके से उसका है, और ककड़ जो चिकन है, तो कड़कनाथ चिकन, कड़कनाथ मुर्गा। ओके, तो ये आप कुछ चीज़ें जो ये दरअसल झाबुआ में पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, जिन्हें GI टैग मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब से मध्य प्रदेश के नए वित्तीय वर्ष का शुरुआत महीना क्या होगा? तो पहले बात की जाए तो अप्रैल या मार्च से स्टार्ट हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो जनवरी से स्टार्ट होगा, तो ये अब हो गया है, उस टाइम का है तो शुरू हो ही गया एक तरीके से, तो अगर आपसे पूछा जाता है तो जनवरी आप लगाइएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों कवित्रियों में से कौन ब्रह्म राक्षस में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ब्रह्म राक्षस में जो है इसका आंसर हो जाएगा गजानन गजानन माधव मुक्तिबोध है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला है, मालवा की मुस्लिम सल्तनत की राजधानी क्या थी? तो मुस्लिम सल्तनत की राजधानी जो मालवा में है मांडू, तो इसका आंसर हो जाएगा मांडू, तो ये दरअसल उस टाइम पे मुस्लिम सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी मांडू। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है दूसरे एग्जाम में, तो ये दरअसल रीवा में जो है ये बनाया गया, और रीवा में सबसे पहले जो है वो सफ़ेद टाइगर देखे गए थे, तो ये भी आप याद रखिएगा रीवा, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में सभी मानव रहित स्तर के क्रॉसिंग को ख़त्म करने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे यानी क्षेत्र भारतीय रेलवे का पहला रेलवे क्षेत्र बन गया? तो ये दरअसल क्रॉसिंग जो होती है उसको ख़त्म कर दिया गया था पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा, वेस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा, तो
कौन सा ये किस टाइम पे, 2015 में, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी निम्न में से किससे संबंधित है। तो रानी रूपमती और बाज बहादुर जो है दरअसल मांडू से रिलेट करते थे, तो वहाँ पर जो है इससे संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो लोग हमारा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कुछ इस तरह का रेड बटन दिया होगा और एक बेल आइकन बन गया आएगी साथ में, उस पर भी क्लिक कर लें जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। जाते जाते लाइक और शेयर ज़रूर करते जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।